अस्सलामुअलैकुम। तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन अकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग उर्दू ग्रामर का अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोग के एग्ज़ाम में लगभग हर साल पूछा जाता है इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन, तो इम्पॉर्टेंट समझते हुए मैं आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ। टॉपिक का क्या नाम है? साबका और लाहका। फुल्ली डिस्कस करने वाले हैं हम इन दोनों टॉपिक के ऊपर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछे या फिर सब्जेक्टिव में पूछे, पूछना ही पूछना है। अब किस किस तरह से क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, ये हर एक चीज़ मैं आप लोगों को फुल्ली एक्सप्लेन करूँगी। और इस वीडियो को अंत तक देख लेने के बाद आप लोगों को इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन होगा ना, सारा डाउट 100% आउट हो जाएगा, हर एक डाउट क्लियर हो जाने वाला है। ठीक, तो इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें और हर एक चीज़ को समझें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि साबका किसे कहते हैं। साबका, जिसको हिंदी में कहा जाता है उपसर्ग और इंग्लिश में कहा जाता है प्रीफिक्स। क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्रीफिक्स, और हिंदी में उपसर्ग। ठीक, आप लोग इंग्लिश में प्रीफिक्स पढ़े होंगे ए लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर, यानी कि एक अक्षर या फिर एक से ज़्यादा अक्षरों का समूह, दो या फिर दो अक्षरों का समूह, जिसको किसी शब्द के शुरुआत में लगा देने पर, किसी शब्द के किसी वर्ड के पहले एकदम शुरुआत में लगा देने पर उस शब्द का अर्थ बदल जाए और एक नया शब्द क्रिएट हो जाए। तो उस शुरुआत में जो अक्षर लगाए ना, या फिर अक्षरों का समूह, उस अक्षर को कहा जाता है इंग्लिश में प्रीफिक्स और हिंदी में उपसर्ग। जैसे कि शर्म है, शर्म के आगे बे लगा दीजिए, बेशर्म बन जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं, शर्म का डायरेक्ट अर्थ ही बदल दिया, बेशर्म हो गया। ठीक, और उसके बाद से नया, शर्म के आगे बे लगा देने से एक नया शब्द क्रिएट हो गया, बेशर्म। ठीक है, तो शुरुआत में क्या लगाए? बे। तो बे को आप लोग क्या बोलेंगे? हिंदी में उपसर्ग और इंग्लिश में प्रीफिक्स। और इसी को तो उर्दू में कहा जाता है साबका। साबका हर्फ या चंद हरूफ का वह मजमुआ, हर्फ यानी कि अक्षर, लेटर, एक अक्षर या फिर चंद हरूफ का मजमुआ, यानी कि एक अक्षर या फिर एक से ज़्यादा अक्षरों का मजमुआ, समूह, दो या फिर तीन अक्षरों का समूह, मजमुआ, ग्रुप, जो किसी बामानी लफ्ज़ के शुरू में लगाने से एक नया लफ्ज़ बन जाए। किसी बामानी लफ्ज़ यानी कि ऐसा लफ्ज़, ऐसा वर्ड जिसका कुछ मतलब हो, कुछ मानी हो। ठीक, उस लफ्ज़ के शुरुआत में लगा देने से वो नया एक शब्द बन जाता है जिसका अर्थ बदल जाता है, उसी को तो कहते हैं साबका। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल लेकर, शक के आगे बे लगा दिए तो बेशक हो गया। ठीक है, तो इसमें बताइए साबका क्या है? शक के आगे शुरुआत में क्या लगाए हैं? बे, यानी कि इसमें साबका है बे। और हिंदी में क्या बोलेंगे? उपसर्ग। इंग्लिश में बोलेंगे प्रीफिक्स। ठीक है, बेशक, शक के आगे क्या लग गया? बे। तो बे, इसमें साबका क्या है? बे। ठीक, तो बे हो गया आप लोगों का साबका। उसके बाद से हम सफ़र, ठीक है, सफ़र के आगे हम लग गया है, तो इसमें क्या है साबका? बताइए, हम है, क्योंकि सफ़र एक वर्ड है, एक शब्द है, देख रहे हैं, बामानी लफ्ज़ है, सफ़र का मतलब होता है, मानी होता है। ठीक है, तो एक लफ्ज़ के आगे हरूफ का मजमुआ यानी कि अक्षरों का समूह, देखिए इसमें हे है और मीम है, दो अक्षर है। ठीक है, तो ये दो अक्षरों का मजमुआ है जो सफ़र के आगे, एक शब्द के आगे आकर जुड़ गया है, हम। ठीक है, और हम सफ़र बन गया है। ठीक है, तो इसको हम को क्या बोलेंगे आप लोग? साबका बोलेंगे, क्योंकि ये शब्द के शुरुआत में आकर जुड़कर एक नया शब्द बना दिया, हम सफ़र। अब देखिए आप लोग के एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछता है साबका से। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है और सब्जेक्टिव में पूछ सकता है। अगर सब्जेक्टिव में पूछता है तो इस तरह से पूछता है कि मंदरजा ज़ेल लफ्ज़ों का साबका ज़ाहिर करें, और नीचे 5-6 लफ्ज़ दे देगा और उसमें आप लोगों को साबका बताना है। ठीक है, तो आप आसानी से बता देंगे, क्योंकि अभी तो आप लोग साबका समझ गए कि साबका किसे कहते हैं, जो अक्षर या फिर अक्षरों का समूह जो किसी शब्द के शुरुआत में जुड़कर अर्थ बदल दे और एक नया शब्द बना दे। ठीक है, तो इस तरह सब्जेक्टिव में पूछ सकता है, 4-5 लफ्ज़ दे देगा और बोलेगा साबका ज़ाहिर करें। और ऑब्जेक्टिव में किस तरह से पूछता है? कोई भी एक शब्द उठा लेगा, लफ्ज़ उठा लेगा, जैसे कि मान लीजिए गैर हाजिर, गैर हाजिर उठा लिया और बोलेगा कि गैर हाजिर का साबका क्या है, और ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया रहेगा। तो गैर हाजिर में साबका क्या है? देखिए, तो हाजिर के आगे क्या लग गया है? गैर लग गया है, यानी कि इसमें गैर है आप लोगों का साबका। ठीक, जो कि हाजिर के शुरुआत में जुड़ गया है, गैर हो गया आप लोगों का साबका। ठीक, तो इस तरह से आप लोग के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है। आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, अनदेखा। देखा के आगे अन लग गया, अनदेखा यानी कि नहीं देखा। देखा मतलब हाँ, मैं देखी थी। देखना का मतलब क्या? देख, हम अपने आँखों से देखे, और अनदेखा मतलब डायरेक्ट अर्थ ही बदल गया देखा का, अनदेखा यानी कि नहीं देखा हुआ। ठीक है, तो इसमें साबका क्या है? अन है, जो कि शुरुआत में जुड़ गया है, अदब था पहले और शुरुआत में क्या लग गया है? बा, बा अदब, तो इसमें क्या है साबका? बा है। अटूट में
इसमें सब का अलिफ है, टूट के आगे अ लग गया है अटूट, ठीक है, डर के आगे नी लग गया है निडर, तो इसमें नून क्या हो गया आप लोगों का, साबका। तो इस तरह से आप लोगों को बनाना रहता है कि साबका क्या है। आई थिंक आप लोगों को साबका समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं लहाका। लहाका जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सफिक्स, क्या कहते हैं इंग्लिश में, सफिक्स, और हिंदी में कहा जाता है प्रत्यय, प्रत्यय, ठीक। लहाका जो होता है ना साबका का उल्टा होता है, साबका जो शुरुआत में जुड़ जाए और लहाका जो किसी शब्द के लास्ट में आकर जुड़ जाए, ठीक है। हर्फ या चंद हरूफ का वह मजमुआ यानी कि अक्षर या फिर अक्षरों का समूह ग्रुप जो किसी बामानी लफ्ज़ यानी कि वैसा लफ्ज़ जिसका कुछ मानी हो, मतलब हो कि आखिर में लास्ट में जाकर लग जाए, ठीक, और एक नया लफ्ज़ बन जाए, तो उसी को कहते हैं लहाका, ठीक। जैसे कि ईद था पहले और ईद के लास्ट में आकर जुड़ गया गाह, तो ईदगाह बन गया, ठीक। तो इसमें लहाका क्या है, लहाका है गाह जो कि ईद के लास्ट में आकर जुड़ गया है, गा हो गया आप लोगों का लहका। अब देखिए मैं आप लोगों को साबका और लहका को याद रखने का ट्रिक बताती हूँ। साबका, सौ से साबका और सौ से शुरू, यानी कि वैसा अक्षर या फिर अक्षरों का समूह जो किसी शब्द के शुरुआत में जाकर जुड़ जाए उसको कहते हैं साबका, और ला से लहका और ला से लास्ट, यानी कि जो अक्षर अक्षरों का समूह जो किसी शब्द के लास्ट में जाकर जुड़ जाए उसको कहते हैं लहका। सौ से साबका, स से शुरू यानी कि जो शुरू में जाकर जुड़ जाए, और ला से लहाका और ला से लास्ट जो कि लास्ट में जाकर जुड़ जाए उसको कहते हैं लहाका। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। दर्दनाक, इस तरह आप लोग साबका और लहाका में कंफ्यूज नहीं होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट साबका को लहाका समझने लगते हैं और लहाका को साबका समझने लगते हैं। दर्द था पहले और लास्ट में क्या जुड़ गया, नाक, तो इसमें क्या हो जाएगा, नाक लहका हो जाएगा। कलम दान, लास्ट में क्या है, दान, कलम के आगे लास्ट में आकर जुड़ गया है, तो दान क्या हो जाएगा आप लोगों का, लहका। खिदमत था पहले और उसके बाद से, पहले खिदमत था और लास्ट में आकर क्या जुड़ गया, गार जुड़ गया, तो गार हो गया आप लोगों का लहका, ठीक है। मालदार, इसमें बताइए लहका क्या है, पहले माल था और लास्ट में क्या आकर जुड़ गया, दार, तो दार हो जाएगा आप लोगों का लहका जो कि लास्ट में आकर जुड़ गया है। हैरत, और लास्ट में अंगेज आकर जुड़ गया, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अंगेज आप लोगों का लहका जो कि अंगेज लास्ट में आकर जुड़ गया है, वगैरह वगैरह, ठीक। तो इसमें भी लहका से भी उसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों के एग्ज़ाम में, अगर सब्जेक्टिव में पूछता है तो इस तरह से पूछता है कि मंदरजा ज़ेल लफ्ज़ों का लहका जाहिर करे और चार पाँच लफ्ज़ दे देगा जिसका आप लोगों को लहका बताना रहता है, या तो अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो कोई भी एक शब्द उठा लेगा, जैसे कि मान लीजिए हैरत अंगेज़ उठा लिया, ठीक है, हैरत अंगेज़ का लहका क्या है, और ऑप्शन में चार ऑप्शन दिया रहेगा, तो हैरत अंगेज़ में लहका क्या है, लास्ट वाला अक्षर जो जुड़ गया है तो अंगेज़ है, ठीक है। तो यही इसी तरह आप लोगों को बताना रहता है। आई थिंक आप लोगों को साबका और लहका से सारा डाउट 100% आउट हो गया होगा, हर एक डाउट क्लियर हो गया होगा। जो भी मैं आप लोगों को समझाई, समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ मुझे समझ में आ गया, और उसके बाद से वीडियो को फटाफट लाइक कर दें और चारों तरफ शेयर कर देना है अपने पड़ोसी अपने दोस्तों के पास, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर लेने के बाद बेल आइकन यानी कि घंटी को दबाकर ऑल का ऑप्शन क्लिक कर लेना है, उससे होगा ये कि मेरी रोज़ आने वाली ऑल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा, ठीक। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।